नमस्कार जी सबको, मेरा धोक प्रणाम। अभी नवरात्रे चल रहे हैं माता रानी के, तो हम नवरात्रों में कन्याओं को भोजन भी करवाते हैं। तो हमारी ये सिस्टम होता है कई बार कि लास्ट वाले दिन अष्टमी और नवमी को सब लोग एक साथ, मैं कन्या जी मा दूँ, मैं कन्या जी मा दूँ, ऐसे हफला थपली मच जाती है। तो इससे अच्छा है कि नवरात्रे तो पूरे 9 दिन चलते हैं, तो कम से कम पहले दूसरे कभी भी अपन जिमा सकते हैं। अच्छे से अपने घर पे बुलाएं, कन्याओं का पूजन करें, उनकी पूजा करके अगर अपने हाथों से खाना बना के फिर उनको खिलाए। और कई लोग क्या करते हैं, बाहर से खाना ले आते हैं, गिफ्ट पातले पैक करके, थालियां पैक करवा के गिफ्ट दे दे के रवाना कर देते हैं बाहर से ही। ऐसे थोड़ी भाई अपने घर में बुलाओ, बैठाओ, नहीं तो आने वाले टाइम पे बाहर से ही गिफ्ट दिया और रवाना कर दिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने घर पे ढंग से बुला के आराम से अपने हाथों से भोजन बना के फिर खिलाएं, ताकि कन्याओं भी ढंग से मतलब खा सके पेट भर के। नहीं तो लास्ट वाले दिन वो क्या करते हैं, ना तो कहीं खाती है ना कोई, और कन्या भी थक जाती है और अपन भी काम फैला लेते हैं। तो इससे अच्छा है कि अपन पहले ही जिमा दें, ताकि वो ढंग से अपने घर पे बैठ के खा के जाएं, और अपन को भी अच्छा अपना धर्म हो और अपने नवरात्रि भी सफल हो। और माता रानी की जो हम अपनी सुख समृद्धि के लिए, परिवार के लिए करते हैं, तो माता रानी की भी अपने पे अच्छी मेहर हो सके और माता रानी अपनी अरदास सुन सके। तो अब सुनो आप माता रानी का ये अच्छा सा भजन। अगर पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। आ जाना पहन के लगा के